है, बंगाल भी इस वक्त कंटिन्यूटी में तेल रोज मांगता है, आने वाले दिन हमारे उसके अलावा बंगाल बिहार आसाम तो तेल जाता ही है, बट अभी भी हमारे यहाँ बॉम्बे लाइन में जो हमारे यहाँ सरसों तेल से यूरिसिक एसिड निकाला जाता है वो लोगों का बहुत गुड डिमांड है। जैसे गोदरेज मुंबई वाले बहुत माल ले रहे हैं, उसके अलावा उनके दूसरे कजन है रुस्तम गोदरेज जोशी वीवीएफ लिमिटेड, वो बहुत बड़ा माल ले रहे हैं। सरसों तेल उनको कंटिन्यूटी में चाहिए, वो लोग साल भर में उनका काफी बड़ा कंजप्शन है, वो लोग यूरिसिक एसिड निकालते हैं, उनके लिए भी गुड डिमांड है। आने वाले दिनों में सरसों का कंटिन्यूटी में ज्यादा से ज्यादा डिमांड रह सकता है, इसका खपत बहुत है। और आने वाले दिनों में मिलावट वाले भी लोग मस्टर्ड ऑयल को लेने के लिए पहले भागते हैं और दूसरे तेलों के से अपेक्षा में। जी, मतलब एक अंतिम रिएक्शन आपका और लेना चाहूंगा निरंजन जी, आज बाजार खुलेंगे तो क्या खरीदारी करें आज के दिन या फिर बिकवाली करें? सरकार का लेवल जो है अभी आप जैसे उन्होंने बताया कि भाई 45 से ज्यादा 545 से ज्यादा नीचे जाता है तो हर हाल में सरसों का प्रयोग करना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं आएगा, ये नीचे का लेवल है, आने वाले दिन इसके बहुत अच्छे है। जी बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन जी इस तमाम जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। रूपा, जैसा कि निरंजन जी ने बताया, आपने भी बताया कि 540 रुपए के आसपास में अगर मिलता है तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए, और हाजिर का भी इन्होंने बताया कि 2600 साढ़े 2600 रुपए के आसपास के भाव जो हैं वो राजस्थान की मंडियों में देखने को मिल रहे हैं। अभी सोयाबीन का इसके ऊपर कितना इफेक्ट आप आते हुए देख रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सोयाबीन में भी यहाँ से अभी और तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन जहां पर अगर हम आज की इंट्राडे मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी ऊपरी लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो वो निचले लेवल पर खरीदारी करके चलने में फायदा हो सकता है। नरेंद्र है भिवानी हरियाणा से हमारे साथ फोन लाइन पर। नरेंद्र जी स्वागत है आपका कर्णी न्यूज में, बताएं। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं नरेंद्र जी, आपकी आवाज कट रही है, एक बार फिर से दोहराएंगे, किसके बारे में जानना चाह रहे हैं? बारे में जानना चाहता हूँ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के बारे में आप जानना चाह रहे हैं जी रूपा, ये नेचुरल गैस के बारे में जानना चाह रहे हैं। हालांकि नेचुरल गैस लगातार यहाँ पर एक ही स्टीम लाइन के ऊपर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। नेचुरल गैस का अगर यहाँ पर फंडामेंटल देखें थोड़ा सा स्पोर्टिव नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसके अलावा अगर ये प्राइजेस देखें तो अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही रुझान यहां पर क्या बताते हैं, क्योंकि हमने कल भी इसको 161 रुपए के दरमियान घूमते हुए देखा, 161 रुपए 20 पैसे से लेकर 162 रुपए 163 रुपए तक बाजार ने ट्रेवल किया है, 1 रुपए 80 पैसे की ही मूवमेंट रही है। प्राइजेस लगातार नीचे खिसके हैं, पिछले एक हफ्ते के दौरान अगर देखा जाए तो 170 रुपए से लुढ़कते हुए ये 161 रुपए पर आए हैं, 9 रुपए और निकाल चुका है। हालांकि हमने इसे दो महीने पहले 200 रुपए के ऊपर ट्रेड करते हुए देखा, अभी ये यहां पर काफी बॉटम प्राइजेस बन चुके हैं एक किस्म से, एक अच्छी यहां पर हमने बिकवाली आते हुए देखी है। अभी यहां इन लेवल्स के ऊपर क्या स्ट्रेटेजिक मूव बनता है?